অপনি যে ঘৃণা করেন সুরে আসি তোমাকে গ্রাহে খরাসে দ্য হেট ইউ ব্রু কামস ব্যাক টু কনজিউম ইউ। হ্যাঁ মুজিবুর রহমান, ক্যা বতায়ে আপকো মুজিব বন্ধু কা, ইনহোনে আপনে হর মোহসিন কো দগা দিয়া কি কমর কে অন্দর ছুরা ঘোপা। অনদর প্রিন্স, অনদর ডিসাইপল অফ নিকোলো ম্যাকাভেলি, इसमें कोई शक नहीं कि उस दौर में एटलीस्ट तीन पावरफुल लोगों ने तो निकोलो मैकावेली की लिखी हुई बुक प्रिंस को अपनी हैंडबुक बनाया हुआ था। कमबख्ती सब कॉन्टिनेंट के लोगों की ये थी कि ये तीनों सब कॉन्टिनेंट के अंदर ही मौजूद थी। मुसोलिनी से इंस्पायर्ड फैसिज्म, ब्रूटालिटी, एमरजेंसी रूल, सिविल मार्शल लॉज, फौज तो बेचारी बदनाम होती है, उनसे जाके पूछें जिन्होंने सिविल ड्रैकोनियन रूल्स गुजारे हैं। हिटलर से लेके मुजीबुर रहमान, कॉमन लोगों की और पॉलिटिकल ओपोनेंट्स की चीखों के अलावा आपको कुछ नहीं सुनाई दे। खैर आज हम आपको मुजीबुर रहमान के बारे में बताएंगे कि जिनको 50 साल के बाद चंद लोग अपना माई बाप कंसिडर करना शुरू हो गए हैं। शायद उन्होंने ये नहीं पढ़ा कि मुजीब के साथ उसकी अपनी बनाई हुई मुक्तिबानी ने क्या किया था। मगर इसके लिए पहले आपको मुजीब के करैक्टर को समझना पड़ेगा। ये भाई किसी और ही लेवल के ऊपर थे। आए आपको बताते हैं किस तरह मुजीबुर रहमान ने बंगालियों को पहले और पाकिस्तानियों को बाद धोखे पे धोखे दिए। Stay connected to Drowning India series by Saryas, hosted by 2N Analytica. ये इतनी बड़ी रिसोर्स है कि इसका वजन 50 लाइब्रेरियां नहीं उठा सकती। Brought to you by Saryas.com. इसके अंदर कोई ऐसी चीज रहती नहीं थी कि मैं इसके ऊपर ट्विटर स्पेस करूं और इसको एक्सप्लेन करूं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये वक्त भी आना था कि पाकिस्तान, जो कि वेस्ट पाकिस्तान जिसको आप कहते थे उस ज़माने में, वेस्ट पाकिस्तान के अंदर बैठ के हमें आज मुजीबुर रहमान की तारीफें सुननी पड़ रही हैं। और एंड इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट टू बी ऑनेस्ट दैट आई एम कंडक्टिंग दिस स्पेस, लेकिन क्योंकि इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन फैला दी गई है इसके बारे में, तो मैंने सोचा कि बेहतर है कि इसको जितना हो सके उसको क्लियर करें, क्योंकि हमारी आने वाली जनरेशन्स जो हैं जिनका कोई इंटरेस्ट नहीं है हिस्ट्री पढ़ने में, जिनका किसी किस्म का कोई इंटरेस्ट नहीं है कि वो इवेंट्स को देखें, उनको एनालाइज करें, तो उनके लिए मैंने कहा कि ये बेहतर है कि एक सेशन करें कि शायद वो इस चीज़ को सुने और उनको ये पता चले कि ये जो आजकल लोग मुजीबुर रहमान को एक बहुत बड़ा लीडर और बहुत ही मुखलिस इंसान शो करने के ऊपर बजिद हैं, सिर्फ इस वजह से कि उसकी एक पॉइंट जो इलेक्शन का आता है कि जिसके अंदर इलेक्शन की मेजॉरिटी जो है वो ईस्ट पाकिस्तान के पास ज़्यादा होती है और वेस्ट पाकिस्तान के पास कम थी, उसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी जो बंदा वहाँ इलेक्शन करवा रहा था चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर होके, जो बंदा उस पार्टी का हेड था, जो वो पार्टी थी, उसके ऊपर नहीं डाल रहे बल्कि पूरे के पूरे पाकिस्तान के ऊपर डाल रहे हैं कि ये पाकिस्तान ने ही ज्यादती की थी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको इन सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए मुजीबुर रहमान के करैक्टर को समझना बहुत ज़रूरी है, जो मेरा पर्पस है आज का। मैं आप लोगों के माइक खोल देता हूँ, ये ओपन माइक सेशन है, आप हाथ उठा के रेज करके तो मेरे से क्वेश्चन ऑन द स्पॉट पूछ सकते हैं, वरना मैं फिर अपनी फ्लो के अंदर जाऊँगा। इट्स नॉट अ स्मॉल टॉपिक, एक बंदे को एक्सप्लेन करना उसकी भी काफ़ी ज़्यादा हिस्ट्री है, लेकिन ये इसमें कोई शक नहीं कि पॉलिटिकल अगर आप एक्टिवेशन देखें तो ही मुजीबुर रहमान काफ़ी देर से, बचपन से ही इन चीज़ों के अंदर एक्टिव थे, तो वो एक पूरी हिस्ट्री है, उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा जितनी जल्दी हो सके, एक घंटे के अंदर अंदर आप लोगों को ये मैं एक्सप्लेन कर दूँ, और अगर कोई चीज़ मिस हो जाएगी तो फिर आप बाद में मेरे से पूछ सकते हैं। तो फर्स्ट मैं आप लोगों के माइक खोल देता हूँ, फिर मैं इंशाल्लाह कंटिन्यू करता हूँ। इसके अंदर सबसे पहले देखें कि मुजीबुर रहमान ये अराइज कब हुआ। मुजीबुर रहमान हमारे 1940s के अंदर, जब हमारी पाकिस्तान की असल मूवमेंट जिसे कहते हैं आप, उससे पहले हमें इन चीज़ों का पता नहीं था कि हमें पाकिस्तान लेना है, हमें कम्बाइंड मूवमेंट
के अंदर हम चल रहे थे, कांग्रेस के साथ भी हमारी अलायंस थी। जब मुस्लिम लीग बनी, हमने देखा कि कांग्रेस तो बहुत ज्यादा ही सेल्फ सेंटर्ड है अपनी चीजों के अंदर, और उसका कोई किसी किस्म का ऐसा प्लान नहीं है कि पाकिस्तान भी बनना चाहिए, या मुस्लिम मेजोरिटी जिन जिन इलाकों के अंदर है उनको किस तरीके से टैकल करना है। तो उनका बिल्कुल भी इसके अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं था कांग्रेस का, जिसकी वजह से कायदे आजम मोहम्मद अली जना जो थे मुस्लिम लीग के अंदर शामिल हुए, और मुस्लिम लीग को उन्होंने स्ट्रॉन्ग किया लामा इकबाल साहब, ये सारों ने मिलके। और उसके बाद जो हमने जो विजन दिया, यानी 1932 के अंदर अगर आप कहें कि लामा इकबाल साहब ने जो विजन दोबारा से उसको किया, तो उसके अंदर जो हमारा वेस्ट पाकिस्तान है, इसके चार सूबे इंक्लूडिंग द कश्मीर, इसके अंदर ये ध्यान में रखिएगा कि इन चार सूबों के अंदर प्रिंसली स्टेट्स भी थे, जैसे कि आप ये कहें सवात का प्रिंसली स्टेट था, बहावलपुर था, कश्मीर था और कलात था। तो ये प्रिंसली स्टेट तो इनकी असेंशन होनी थी, लेकिन बाकी जो स्टेट्स होते थे इनके अंदर एक्टिवली ब्रिटिश जो रूल है, ब्रिटिश राज है, वो इलेक्शंस करवाता रहा है। लास्ट जो दो इलेक्शन, जो मोस्ट नोटेबल इलेक्शन है, एक 1937 का इलेक्शन है और एक 1946 का इलेक्शन है। ये दो इलेक्शन जो हैं ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस के हामिल हैं, क्योंकि 1937 के इलेक्शन के अंदर पहली बार मुस्लिम लीग जो है वो सीटें जीती, 1937 का इलेक्शन कांग्रेस जो है वो डोमिनेट कर गई थी और उसके जो अलायंस थे। लेकिन जब 1946 का इलेक्शन होता है तो उस इलेक्शन के अंदर जितनी मुसलमानों की सीटें होती हैं उनमें से 95% सीटें जो हैं वो पाकिस्तान, ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग जीत जाता है। तो जब ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग जीत जाता है, जिनके प्रेसिडेंट कायदे आजम मोहम्मद अली जिना होते हैं उस वक्त के अंदर, तो तब ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये एहसास होता है कि ये अब हम इनको, ये सोल जो है, ये कांग्रेस जो है और गांधी जो है, ये सोल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है सारे लोगों का जो सबकॉन्टिनेंट के अंदर रहते हैं, देर इज अनदर डोमिनेंट फोर्स जिसका नाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग है। क्योंकि आप ये चीज नोट रखें कि गांधी की कांग्रेस के अंदर अबुल कलाम आजाद और हुसैन मदनी और इस तरह के जो काफी ज्यादा मुसलमान लीडर्स जो थे वो मौजूद थे, कि वो गांधी ये इंप्रेशन देता था कि जो मुसलमान है उनका भी रिप्रेजेंटेटिव जो है वो गांधी ही है, कांग्रेस ही है। तो दिस वाज द फर्स्ट टाइम जाके डीप डाउन इन 1946 के इलेक्शन के अंदर के ब्रिटिश ने ये चीज रियलाइज की। हमने 40s के अंदर ही रियलाइज कर दी थी जब नेहरू रिपोर्ट 28 में आई, उसके बाद हमने देखा कि ये लोग तो एक अजीब ही तरह के फॉर्मूले के ऊपर चल रहे हैं। तो फाइनली हमने 1940 के अंदर लाहौर के अंदर, जिसको आप लाहौर रेजोल्यूशन कहते हैं, उसके अंदर हमने ये डायरेक्टली हमने इस चीज को बोल दिया कि जी हमें पाकिस्तान चाहिए, जी जिस जगह के ऊपर मुसलमान मेजोरिटी है वहां इंडिया नहीं बनेगा, पाकिस्तान बनेगा। एक चीज आप देखें कि इंडिया, तो इंडिया का नाम तो ब्रिटिश जो राज था उन्होंने इंडिया के ऊपर ही कब्जा किया था, तो जो कंट्री फॉर्म हुई वो पाकिस्तान हुई, इंडिया तो था ही था, लेकिन जो उसके अंदर जो मुल्क बनाया है वो कायदे आजम ने बनाया है कि इंडिया के अंदर से कार्व आउट करके मुसलमानों के लिए इंडिपेंडेंट मुल्क, जिसके अंदर मुसलमानों का रूल होगा, जिनके अंदर मुसलमानों का कॉन्स्टिट्यूशन होगा, जिसके अंदर कोई इन्फ्लुएंस इंडियंस का या हिंदूज का या नहीं होगा। तो ये कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने बनाया, और इसके पीछे मैंने आपको पिछली जो तीन दो तीन स्पेस की हैं मैंने उनके अंदर आपको बताया कि क्या ऐसी वजह थी, हमें वो देना ही नहीं चाहते थे नेहरू रिपोर्ट को, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, इसके ऊपर कायदे आजम ने 14 निकात अपने दिए थे। तो ये चीजें तो चल रही थी इसके अंदर। अब मुजीबुर रहमान कहा था कि अगर आप 1940s के अंदर जाते हैं, तो 46 47 के अंदर, तो मुजीबुर रहमान एक स्टूडेंट यूनियन जो आप कह लें कि उसके अंदर हमारी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के अंदर ही वो शामिल था, बंगाल चैप्टर के अंदर, बंगाल के अंदर भी इलेक्शन होते थे, बंगाल के अंदर जो 1937 के इलेक्शन हुए उसके अंदर भी जो थे हम मुसलमान जीते, हुसैन सरवर्दी जीते, लेकिन कांग्रेस के साथ अलायंस था। 1946 के अंदर जो इलेक्शन हुए उनमें बंगाल में भी इलेक्शन हुए, वो इलेक्शन के अंदर ए के फजल हक, ये तीन लोगों को आपने जेहन में रखना है। इन तीन लोगों ने बहुत अच्छाई भी की है और बहुत बुराई भी की है, लेकिन हम जो है मुजीबुर रहमान के बारे में बोलेंगे, वो
जो है वो ये एक चौथे पर्सन है जिन्होंने इन तीनों लोगों का फायदा उठाया डिफरेंट टाइम्स के ऊपर। इन तीनों लोगों में ख्वाजा निजामुद्दीन हमारे प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं, बंगाल से इनका ताल्लुक था, और बड़े स्ट्रॉन्ग कायद आजम के साथी थे मुस्लिम लीग के, शुरू से लेके आखिर तक मुस्लिम लीग के अंदर ही ये रहे। और उसके बाद इनके अगेंस्ट हुसैन सुहरावर्दी, हुसैन सुहरावर्दी कांग्रेस में भी थे, उसके बाद मुस्लिम लीग के अंदर आए, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी ये रहे हैं। और ये जो थे इनकी जो पार्टी बेसिकली थी वो अवामी लीग, इन्होंने पाकिस्तान जब बना तो इन्होंने इनको मुस्लिम लीग से अवामी लीग के अंदर ये चले गए। एंड ही वाज वेरी क्लोज, दिस इज द पर्सन हु वाज वेरी क्लोज टू मुजीबुर रहमान। मुजीबुर रहमान को बनाने में हुसैन सुहरावर्दी का बहुत ज्यादा हाथ है। लेकिन ये पाकिस्तान जो दोनों ईस्ट और वेस्ट इसके प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं, ख्वाजा निजामुद्दीन भी रहे हैं, एके फजल हक शेरे बंगाल ये जो थे, इनकी जो 46 के अंदर जो प्रोविंशियल इलेक्शंस हुए, जो पाकिस्तान बनने से पहले इलेक्शन थे, तो उस वक्त तक बंगाल जो था इसका प्राइम मिनिस्टर होता था। तो ये प्राइम मिनिस्टर 46 के अंदर भी रहे हैं। उसके बाद इन्होंने यूनाइटेड फ्रंट और एक दो और पार्टीज बना ली विच वर नॉट अवामी लीग एंड विच वॉज नॉट मुस्लिम लीग। तो ये एक थर्ड पार्टी थी जिसके अंदर इन्होंने हिंदू मुहासबा, असल में ए के फजल हक जो थे हमारे इधर पाकिस्तान में, हमने इनके नाम की रोड्स भी देखी होंगी, तो ए के फजल हक का मसला ये था कि 1940s के अंदर ही वॉज वन ऑफ द फाउंडिंग फादर हमारे, जो लाहौर रेजोल्यूशन जो हुई है हमारी, जिसके ऊपर मैंने अभी आपको पाकिस्तान डे पे एक्सप्लेन किया था, और उसके अंदर ए के फजल हक का बड़ा हाथ था, इन्होंने ही उसको ड्राफ्ट किया था। ही वॉज अटॉर्नी जनरल भी रहे हैं, वकील भी थे, एंड वेरी लर्नेड पर्सन, बहुत ही ज्यादा, कायद आजम इनको टाइगर कहते थे, तो बहुत ज्यादा मतलब ये एक्टिव पर्सन थे, लर्नेड पर्सन थे। लेकिन हुआ क्या, 1940s के बाद इनकी थोड़ी इंक्लिनेशन जो थी, वो जब वॉइस रॉय और जब इंडिया की जब जंग शुरू हुई वर्ल्ड वॉर 2 का जब वाकया हुआ, तो फिर से ब्रिटिश इंडिया को एकदम से इनका वॉइस रॉय चेंज हुआ, नया बंदा आया, इन्होंने ये कहा कि अब क्या करना है, सपोर्ट ब्रिटिश इंडिया वॉर के अंदर कैसे सपोर्ट करेगा। तो दो पार्टी जो थी वो वेस्ट पाकिस्तान के अंदर, यानी हमारा जो पाकिस्तान है इसके अंदर, एक तो पंजाब के अंदर सिकंदर हयात खान, सिकंदर हयात खान की यूनियनिस्ट पार्टी थी, और सिकंदर हयात खान की जो इंक्लिनेशन थे, तो वो मुसलमान, लेकिन उनकी जो इंक्लिनेशन थी वो जो थी कांग्रेस की साइड के ऊपर थी, मुस्लिम लीग को वो लाइक नहीं करते थे, और उन्होंने जो अलायंस अपना बनाया वो उसके अंदर 46 के इलेक्शन, हालांकि हम 46 का जब इलेक्शन प्रोविंशियल जो पंजाब के अंदर होता है उसके अंदर मुस्लिम लीग जीत जाती है, 37 में तो हम नहीं जीत सके थे, और उन्होंने सिकंदर याद ने अपनी जो थी वो बना ली थी, गवर्नमेंट बना ली थी ब्रिटिश राज के अंदर, 46 का इलेक्शन हम जीत जाते हैं। लेकिन सिकंदर याद साहब जो क्योंकि एंटी पाकिस्तान थे, इनका पाकिस्तान के साथ कोई इतना इतना इंटरेस्ट नहीं था, तो इन्होंने अकाली दल के साथ, तारा सिंह के साथ सिखों की जो सीटें थी, और आज का जो हरियाणा है उसके अंदर जो हिंदू जाट हैं, तो जाट हैं हिंदू जो हरियाणा वाली, हरियाणवी लैंग्वेज भी आपने सुनी होगी, उनके जो लीडर्स थे उनके साथ मिलके, हालांकि मुस्लिम लीग की मेजोरिटी थी, इन्होंने मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट नहीं बनने थी 1946 के अंदर, बिल्कुल पाकिस्तान बनने से एक साल पहले इन्होंने मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट नहीं बनने दी, डिस्पाइट मुस्लिम लीग की मेजोरिटी थी, कांग्रेस के साथ मिलकर इन्होंने कांग्रेस की गवर्नमेंट पंजाब के अंदर, ये मैं पंजाब की बात आपको कर रहा हूँ, अनडिवाइडेड पंजाब जिसके अंदर पाकिस्तान का पंजाब, इंडिया का पंजाब और हरियाणा, ये सारे के अंदर इन्होंने मुस्लिम लीग की मेजोरिटी को, मेरे ख्याल में 80 से ज्यादा सीट थी इनकी, 10 थी, लेकिन इन्होंने कांग्रेस के साथ मिलकर वो मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट नहीं बनने दी। इसी तरह हमारे एक और बहुत प्यारे भाई हैं एएनपी के बाचा खान, जिनको सरहदी गांधी का लकब मिला, नेहरू से भी वो मिलते रहे और गांधी के बड़े फैन थे, तो उनके बारे में भी आपको बताना है कि उन्होंने भी एनडब्ल्यूएफपी, एनडब्ल्यूएफपी में सवात और फाटा का इलाका मौजूद नहीं था, एक पतली सी लाइन थी पिशावर से नीचे, उसको एनडब्ल्यूएफपी कहते थे, तो उसके अंदर उन्होंने भी कांग्रेस के साथ, मुस्लिम लीग के साथ अलायंस नहीं की, कांग्रेस के साथ अलायंस की, और 1946 के इलेक्शन के अंदर कांग्रेस को जिता दिया। ये कांग्रेस का एक ऐसा विक्ट्री थी कि वेस्ट पाकिस्तान के अंदर सिर्फ एक जगह से कांग्रेस जीती, और वो माशाल्लाह बाचा खान साहब जिनके नाम के ऊपर एयरपोर्ट
भी हमने रखा हुआ है। इन्होंने कहा क्योंकि ये पाकिस्तान के हक में नहीं थे, और इन्होंने आखिरी साल पहले भी 46 के अंदर भी इन्होंने कांग्रेस को जिता के वहां कांग्रेस की गवर्नमेंट बनवा दी थी। तो ये दो पंजाब और NWF की, मैंने कहा आपको दरमियान में इनके बारे में बताते जाएं। तो ये इस तरीके से ये चल रहा था कि 46 के इलेक्शन के अंदर एक फजल हक जो थे वो जीत चुके थे और वो प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन उसके बाद जब डिवीजन हुई तो फिर पाकिस्तान का नाम पाकिस्तान था, ये जो आप जिस पाकिस्तान में हम रहते हैं, और जो ईस्ट पाकिस्तान जिसको आप कहते हैं 47 के अंदर, उसका नाम ईस्ट पाकिस्तान नहीं था, उसका नाम ईस्ट बंगाल था। ये मोहम्मद अली बोगरा की जो हुकूमत थी, बाय द वे मोहम्मद अली बोगरा भी बंगाली थे, मैं आपको ये बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि